हेलमेट दीजिए और अरे हेलमेट पकड़ा दीजिए जल्दी। ये जो पीछे है सर हमारा पीछे है ना, ठीक है। वही है, फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। हमारा कुछ टूटा चावल वगैरह सर जो हम खरीदते हैं मार्केट से, आराम का चावल मक्का से खरीदना शुरू करें। चलिए आप लोग बढ़िए 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 सर, चलिए चलिए चलिए। तो यहीं पर उसको हो जाएगा, उसकी बिक्री हो जाएगी। अभी देख रहे हैं बिहार में इतना उत्पादन होता सब बाहर चला जाता है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि और ज्यादा हो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो जाए एथेनॉल के उत्पादन के लिए और सब चीज स्वीकृति हो जाए, कितना होगा, कितना रोजगार बढ़ेगा और 7 लाख लोगों का जो उत्पादन होता है उसका उनको फायदा होगा, सब तरह से होगा। तो देखिए अब शुरू हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग भी आए हुए, आप लोगों को भी हम इस बात के लिए बधाई देते हैं। सब देख लिया और जरा इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को आप ही बताइएगा, तभी लोग जान पाएंगे। बताइएगा ही, हमको पूरा भरोसा। सर सबसे बड़ा यूपी में लाउड स्पीकर होगा, बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर होना चाहिए। अरे छोड़िए ना, सब एथेनॉल वाला बात, एथेनॉल का बात करिए, सबके कार्य कीजिए। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते हैं, हम लोग किसी भी धर्म के पक्ष में कोई हस्तक्षेप करते हैं, सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। इन्होंने तो पूरी बात बता दी और सबसे बड़ी बात है कि ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि पहली बार एथेनॉल का उत्पादन यहाँ पर शुरू हुआ है। आप लोगों में से तो बहुत लोगों को मालूम होगा कि 2007 से ही हम लोग चाह रहे थे एथेनॉल के लिए, और उसके लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव भी आया था लोगों का, लेकिन उस समय जो हम लोगों ने कुछ कानून बना करके अमेंडमेंट करके भेजा तो उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। लेकिन अभी जब 2019 में एक कार्यक्रम के सिलसिले में मालूम हुआ कि जब केंद्र सरकार ने अब कर दिया है, ये तय किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। हमने सब लोगों को पूरी जानकारी भी दे दी कि हम लोग 2007 में किस तरह से कोशिश कर रहे थे और कितना बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। अब आप लोगों के समय से हो गया, तब कोई भी चीज़ से होगा। अब किसी भी चीज़ से भी उत्पादन जिसके बारे में उन्होंने बता दिया, मक्का का बता दिया और भी जितने भी जो पौधे हैं उसका सब तो ये सब बना दिया, आपका गन्ना का इसका भी ना बता रहे हैं, चावल का भी उसका जो टुकड़ा रहेगा उससे भी बन जाएगा, सब हो रहा। तो इसीलिए जो कुछ भी होने वाला है ये बहुत अच्छी बात है। और आज जो इनका काम जो शुरू हो गया है, इन लोगों ने आज हम लोगों को बुलाया
और आपने हमको कहा कि भाई चलिए, तो हम चले आए क्योंकि हम लोगों को भीतर से मन से खुशी थी कि जरा एक बार तो देख लें इथेनॉल अगर बनता है तो किस प्रकार से बना रहे हैं, कैसा लग रहा है। आज सब दिखा दिया, हमने इथेनॉल भी देख दिया कैसे पेट्रोल डीजल के साथ वो काम करेगा। और पहले तो 10%, अब तय हो गया 20% भी पेट्रोल डीजल में लगेगा। अब कितना पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाना पड़ता है, अगर इथेनॉल बन जाएगा तो देश को कितना लाभ होने वाला है। इसलिए बहुत अच्छा हुआ और आई देख लीजिए, यही हमको अभी दिखाए इथेनॉल, हमको इतना अच्छा लगा देखने में, यही इथेनॉल। तो इसी के लिए हम लोग इतना प्रयास शुरू से कर रहे थे और जब जान अब आज हुआ तो पहला शुरू हो गया। अब जैसा भी माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि साहब अनेक जगहों पर और भी पूरी तैयारी लगभग कर लिया है, तो वो सब तो शुरू ही होगा। लेकिन आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा उद्योग का विस्तार हो रहा है और बिहार में, तो इसलिए बड़ी खुशी की बात है। इसलिए जब इथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया और उसकी स्थापित हो गई यहाँ पर, तो बहुत प्रसन्नता। बिल्कुल, किसानों को कैसे बाहर भेजना पड़ता है अगर, तो उसको तो यहीं